साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और आज हम बात कर रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स की, और ये होगा अप्रैल के सेकंड वीक का वीडियो, जिसमें बात करेंगे हम 15 से लेकर 21 तारीख तक के करंट अफेयर की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के डे बाय डे। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त करने वाली अभिनेत्री जो हैं वो कौन है, तो ये हैं श्रीदेवी। श्रीदेवी को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। श्रीदेवी की जो फिल्म थी मॉम फिल्म के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें इनके साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। चलिए बात कर लेते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी फिल्म को क्या क्या अवार्ड मिले हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है विलेज रॉकस्टार को, ये असम की फिल्म है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है बाहुबली को। बेस्ट एक्ट्रेस श्रीदेवी मॉम फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अजीत कुमार को विवेगम के लिए। बेस्ट निर्देशक जयराज को बयानागम के लिए। स्पेशल मेंशन अवार्ड मिला है पंकज त्रिपाठी न्यूटन फिल्म के लिए। न्यूटन फिल्म में इन्होंने जो है कमांडर का जो भूमिका निभाई थी पार्वती के लिए, पार्वती को मिला है टेक ऑफ फिल्म के लिए। बेस्ट क्षेत्रीय फिल्म या बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है न्यूटन को, काफ़ी फेमस फिल्म थी और इसको भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है गणेश आचार्य को टॉयलेट एक प्रेम कथा में, जो गाना था गोरी तू लठ मार उसकी कोरियोग्राफी के लिए। बेस्ट सिंगर है मेल में ये सुदास, बेस्ट सिंगर फीमेल है सासा तिरुपति। और दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना को। बेस्ट मराठी फिल्म के लिए कच्चा लिंबू, और बेस्ट शॉर्ट फिल्म ये मराठी फिल्म है मैयत, इसको बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो ये इस बार के 65वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अवार्ड थे। ये जो फिल्म समारोह है 1954 से इसके अवार्ड दिए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है पुरुषों की एकल श्रेणी में कौन सा प्रसिद्ध भारतीय शटलर विश्व नंबर एक बन गया है। तो किदंबी श्रीकांत जो है विश्व नंबर एक बन गए हैं, और इन्होंने जो है डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन को पीछे छोड़ा है। विक्टर एक्सेलसन डेनमार्क के थे, उनको पीछे छोड़ के अब ये नंबर वन की पोजीशन पर आ गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कितने उपग्रहों का समूह है। चलिए इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इसका पूरा नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और ये जो है 7 उपग्रहों का समूह है। इसमें से 4 जो हैं जियोस्टेशनरी हैं, और माफ कीजिए 3 जो हैं जियोस्टेशनरी हैं और 4 जो हैं जियोसिंक्रोनस है। अब ये जो 7 हैं ये अभी वर्तमान में क्यों आ रहा है, इसकी बात क्यों हो रही, करंट अफेयर में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके लिए अभी वर्तमान में 9 सैटेलाइट छोड़े जा चुके हैं। हमारे एक सैटेलाइट ख़राब हो गया था, उसके लिए फिर 7 सैटेलाइट छोड़े जाने थे। 2013 से सैटेलाइट की लॉन्चिंग स्टार्ट हुई थी और ये अभी तक चल रही है, और उससे पहले अभी 7वां छोड़ा गया था लेकिन वो ख़राब हो गया, उसके बाद उसकी जगह पर 8वां छोड़ा गया, और हाल ही में भी अप्रैल में ही 9वां सैटेलाइट छोड़ा गया क्योंकि 8वां भी ख़राब हो गया था। तो इस प्रकार से 7 सैटेलाइट हैं ये, उसी तरह से जिस प्रकार से अमेरिका का GPS है, अब ये भारत का अपना GPS हो जाएगा ये, जब पूरा काम करना स्टार्ट कर देगा, इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो और बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना की कुल प्रस्तावित लंबाई कितनी है। तो बुलेट ट्रेन परियोजना जो केंद्र सरकार की है उसकी जो कुल प्रस्तावित लंबाई है 508 किलोमीटर है। जापान ने इसके लिए भारत को कर्ज भी दिया हुआ है, भारत की सहायता भी की हुई है, और मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी 1.10 लाख करोड़ रुपए की इसकी लागत है, और 2022 तक इसके जो है पूरे होने की संभावना है, यानी 2022 तक इसका काम पूरा होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी और प्रबंधन सुधार के लिए $140 मिलियन की वित्तीय सहायता करेगा, और वो जो संस्थान है वो है विश्व बैंक। चलिए विश्व बैंक की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। विश्व बैंक की बात करें तो ये जो है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी, वो इसका मुख्यालय है, और वर्तमान में क्रिस्टालिना जॉर्जिया जो है इसकी मुख्य हैं, प्रमुख हैं। वहीं हम नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई
1982 को, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। वहीं एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में 16 दिसंबर को। इसके जो सदस्य हैं 67 सदस्य हैं। वहीं विश्व बैंक की बात करें, विश्व बैंक में 189 सदस्य हैं। एमपीपीएससी में हाल ही में ये प्रश्न पूछा भी गया था कि कितने सदस्य हैं विश्व बैंक के। वहीं हम बात कर लेते हैं ब्रिक्स बैंक की, तो ब्रिक्स बैंक आप सभी को पता है हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है ब्रिक्स बैंक की, और 15 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, 15 जुलाई 2014 को। और शंघाई जो कि शहर है चाइना का और वहाँ इसका मुख्यालय है, और केवी कामत जो भारत के हैं, केवी कामत वो इसके जो हैं प्रमुख हैं वर्तमान में, इसके चेयरपर्सन चेयरमैन हैं। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, भारत ने किस देश को 129.5 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन बनाने का समझौता किया है, और ये जो समझौता भारत ने किया है ये बांग्लादेश के साथ किया है। बांग्लादेश को इससे हर साल भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में तेल पहुंचाएगा, उसके लिए समझौता किया गया है तेल पाइपलाइन, और सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर तक की ये पूरी की पूरी पाइपलाइन बनेगी। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका इसकी राजधानी है। भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी क्या है, ये मेरा आपसे प्रश्न है, भूटान की राजधानी कमेंट करके आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर दें। नेपाल की राजधानी काठमांडू और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ, तो पहली अंतर्राष्ट्रीय परियोजना होने वाली है NHAI की, और ये हुआ म्यांमार के साथ समझौता। ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो है यागी कलेवा सेक्शन है, एक हमारा रूट जाता है इस यागी कलेवा सेक्शन, तो वहाँ पर उस सेक्शन के लिए जो है आपात स्थिति में रुकने के लिए, और उसके अलावा दो लाइन टू लेन जो हाईवे होता है उसके उन्नयन करने के लिए इसका समझौता किया गया है म्यांमार के साथ, भारत और म्यांमार के बीच में ये समझौता हुआ है। किस राज्य में प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत पहले स्वास्थ्य केंद्र को लॉन्च किया है, तो आयुष्मान भारत के अंतर्गत पहला स्वास्थ्य केंद्र जो लॉन्च किया गया है वो लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का भी जो जिला है बीजापुर, और बीजापुर जिले का जांगला गांव में ये पहला जो है स्वास्थ्य केंद्र है जो इसके अंदर बनाया गया है। इसके तहत आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्रों को बनाया जाना है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं रमन सिंह जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ में ये प्रारंभ किया है, और इसी के साथ 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है या इसके अंदर क्या होना है। वहीं महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात कर लेते हैं, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी आप सभी को पता है बॉम्बे है, असम की राजधानी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि असम की राजधानी क्या है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है भारत के किस शहर में इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2018 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, इससे पहले सितंबर 2017 में भी पहला संस्करण इसका आयोजित हुआ था, और ये आयोजित किया जा रहा है यानी किया जाने वाला है, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, इससे पहले भी नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ था 25 से लेकर तो 27 अक्टूबर तक ये इसका जो है आयोजन किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट इस मायने में क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी वाला जो है एक तरह से प्रोग्राम होता है, जहां सबसे जैसे जो सभी कंपनियां होती हैं खासकर जो इंटरनेट मोबाइल और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कंपनियां होती है वो अपना यहां पर प्रदर्शन अपनी चीज़ों का करती हैं। उसके अलावा ये जो इसकी थीम रहेगी न्यू डिजिटल होराइजन, इसकी जो थीम है ध्यान रखिएगा न्यू डिजिटल होराइजन कनेक्ट क्रिएट इनोवेट, ये इसकी जो इस बार की थीम है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न जो है शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए किस देश ने सभी नए अपतटीय तेल खोजों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये किया है न्यूजीलैंड के द्वारा, और इसी के लिए आज का हमारा जो देश है वो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो देश है इन्होंने शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था क्या होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके अंदर कार्बन उत्सर्जन मतलब जो भी सोर्सेस होते हैं, जो एनर्जी के सोर्सेस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिजली बनती है कोयले से बनती है या परमाणुओं से बनती है, तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, या जो डीजल पेट्रोल इन तरह की चीज़ों से जो होती है अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, तो इन सब चीज़ों से
को रिड्यूस करने के लिए, और ये बढ़ रहे हैं शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि वो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड और जो कार्बन है वो यूज करें और जो पर्यावरण को क्षति हो रही है वो बिल्कुल जीरो पर लेके आ जाएं। तो उसके लिए सभी जो अपतटीय तेल खोज यानी कि तेल की खोज अभी तटों के आसपास नहीं करेंगे, तटों के आसपास क्योंकि एक साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर ये देश है, तो तटों के आसपास जो तेलों की खोज है अब ये बिल्कुल बंद कर देंगे। तो न्यूजीलैंड के द्वारा ऐसा किया गया, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, वहीं सऊदी अरेबिया की बात करें रियाद इसकी राजधानी है, रूस की राजधानी है मॉस्को और श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धने पुरम। चले अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है बैंक बोर्ड ब्यूरो के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के नए जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है भानु प्रताप। अगर हम भानु प्रताप शर्मा जी की बात कर लेते हैं, भानु प्रताप शर्मा जी जो स्थान लेंगे वो पूर्व CAG विनोद राय, पूर्व CAG विनोद राय का स्थान लेंगे, पूर्व CAG विनोद राय इनका स्थान लेंगे। और विनोद राय वही है जिनके द्वारा जो है 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जानकारी दी गई थी, तो उनके स्थान पर। अब बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात कर लेते हैं, आखिर ये बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है। देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है BB एक ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की, ऑटोनोमस मतलब इसके पास खुद स्वायत्तता है, स्वायत्त बॉडी है। और ये जो है बैंक, सरकारी बैंक जो है इनके प्रशासन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, उनके गवर्नेंस को किस प्रकार से ठीक किया जाए उसके बारे में सिफारिश करती है। उसके अलावा जो बैंकों के प्रमुख जो होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके चयन के लिए भी सिफारिश करती है कि किसको बनाया जाना चाहिए। तो एक प्रकार से बैंकों का ये जो है गवर्नेंस बॉडी है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में तीसरा रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ये तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु का जिला है कांचीपुरम, कांचीपुरम जिले का जो है थिरुविदांत थाई करके जगह है जहां पर डिफेंस एक्सपो 2018 का आयोजन किया गया था, डिफेंस एक्सपो 2018। और इसी में जो है भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन भी हुआ जिसमें 7 समझौते हमने जो है रूस के साथ किए हैं। भारत पर्यटन विकास निगम ITDC ने किस राज्य के लिए 550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मेगा पर्यटन गंतव्य परियोजना के विकास के लिए एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए, यानी कि एक परियोजना बनाई गई है जिसमें 550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी और ये किया गया है आंध्र प्रदेश के लिए। ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की जिस जगह पर ये पूर्वी गोदावरी जिला जो है वहाँ पर, वहाँ का भी काकिंडा का भैरवलंका जगह है, भैरवलंका जगह का नाम याद रहिएगा, भैरवलंका और काकिंडा स्थान है। तो काकिंडा का भैरवलंका पूर्वी गोदावरी जिला वहाँ पर इसके लिए जो 550 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से ये स्टार्ट किया जाएगा। यदि हम बात कर लेते हैं आखिर ये इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ये क्या है, तो ये निगम है एक प्रकार का, भारत पर्यटन विकास निगम जिसे हम कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका काम जो है वो ये है कि भारत के अंदर जो टूरिज्म के स्थान हैं, जो पर्यटन के स्थान हैं उनका विकास करना और उसके लिए वहाँ होटल वगैरह पर जो यातायात की सुविधा है, तो इस प्रकार की जितनी भी सुविधाएं होती है उन सब का काम करना, देखरेख करने का काम इसी संस्था का है, भारत पर्यटन विकास निगम का। चलिए बात कर लेते हैं हम आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है वर्तमान में हैदराबाद, लेकिन उसकी नई राजधानी बनाई जा रही है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है यानी जो बसाई जा रही है, बनाई जा रही है, उसका नाम क्या होगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और ESL नरसिंहमन जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं, ESL नरसिंहमन और इन्हीं के पास जो है तेलंगाना का प्रभार भी है, यानी तेलंगाना के भी गवर्नर है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं राम नाईक। गवर्नर्स के नाम याद रखिएगा, कभी जो है GMA करंट अवेयर जनरल अवेयरनेस में पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल है। वहीं अगर हम बिहार की बात कर लें तो बिहार की राजधानी है पटना, नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सत्यपाल मलिक जो हैं यहाँ के गवर्नर है। इससे पहले जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद वो बिहार के ही गवर्नर थे। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 6 दिवसीय यूरोप यात्रा पर जा रहे हैं, तो वो 2 देशों को घूमेंगे, उनमें से किस देश में जो पहले जाएंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जा रहे हैं वो स्वीडन जाएंगे सबसे पहले, यहाँ से निकल गए हैं, स्वीडन पहुँचेंगे, स्वीडन के बाद ब्रिटेन के लिए वो और जाएंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौका ये है क्योंकि ये जो है पहली इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन यहाँ पर आयोजित होगा।
इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन। आखिर ये इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन क्या है, ये नॉर्डिक क्या है, पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को समझने के लिए नॉर्डिक जो देश हैं उनको, किन किन देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है, उसके अंदर स्वीडन है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, ये चार देश हैं, इनको जो है नॉर्डिक कहा जाता है। तो इससे पहले एक जो है अमेरिकन नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ, तो उसी की तर्ज पर इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन होगा और भारत ऐसा दूसरा देश होगा जिसके साथ ये पांचों कंट्रीज़ एक साथ जो है शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। भारत की तरफ से ये शिखर सम्मेलन का प्रस्ताव रखा गया था, चूँकि भारत अभी तक जहाँ भी उनसे इंटरेक्ट करता था वो यूरोपियन यूनियन के माध्यम से करता था, लेकिन एक साथ ये पांचों देशों के साथ इंटरेक्ट करेगा, पांचों देशों के प्रधानमंत्री से मिलेंगे माननीय मोदी जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दौरा होने वाला है स्वीडन का, उसके बाद जाएंगे वो ब्रिटेन। साथ में पहली बार होगा स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं वो पहली बार किसी देश के राष्ट्र प्रमुख का या प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए स्वयं आएंगे, तो ये पहली बार वहाँ के इतिहास में होने जा रहा है। तो काफ़ी तवज्जो भारत को वो दे रहे हैं। स्वीडन की हम बात कर रहे हैं, स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है, और इसीलिए जो है स्वीडन को हमने आज के देश की कैटेगरी में रखा है। इसके बारे में हम विस्तार से और जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें चर्चा करेंगे। चलिए स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन की राजधानी जो है वो है मैड्रिड, और स्पेन की जो मुद्रा है वो यूरो है, और मेरियानो रॉजॉय जो है यहाँ के PM है। वहीं हम बात कर लेते हैं फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहाँ की मुद्रा दो हैं, एक यूरो है और एक CFF फ्रैंक भी जो है यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति जो है यहाँ के इमानुअल मैक्रॉन हैं। वहीं ब्रिटेन की हम बात कर लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ की मुद्रा है, और थेरेसा मे जो है यहाँ की प्रधानमंत्री। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक अनहिलेशन ऑफ कॉस्ट पुस्तक के लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, वर्तमान शनिरों में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा भारत के अंदर एक प्रकार की चीज़ें लगातार उबाल मार रही हैं, जातीय हिंसा, सांप्रदायिकता और इन तमाम प्रकार की चीज़ों से गुजर रहा है। तो यहाँ मैं आप सब लोगों से एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप लोग सब विद्यार्थी हैं, कृपया सोशल मीडिया पर जो कुछ जो वर्तमान में चल रहा है उस पर अपनी अपने आप को उसमें ना फंसाएं, हो सके तो उससे दूर रहें, और दूर ना रह सकें उसको देखें तो उसमें ये समझने का आप अपना निरक्षर विवेक रखें कि कौन सी न्यूज़ जो है उसके अंदर फेक हैं, गलत हैं, झूठी फैलाई जा रही हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वो सही है। क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक पे आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उनमें से बहुत मुश्किल हो पाता है पता लगाना कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कृपया उन चीज़ों के प्रोपेगेंडाज में आप ना आएँ और अच्छे तरीके से उसका यूज़ आप करें, अपने हितों के लिए उसका यूज़ करें। चलिए तो ये मेरा एक संदेश था आप लोगों के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर की एक पुस्तक थी अनहिलेशन ऑफ कास्ट, वैसे ये पुस्तक नहीं थी, एक्चुअल में क्या होता है लाहौर के अंदर एक उनका भाषण होने वाला था, जो भाषण आयोजित करने वाला संस्थान था वो जात पात ताड़क मंडल लाहौर के अंदर ये होना था, लेकिन वहाँ के जो आयोजनकर्ता थे उन्होंने पहले तो इनको आमंत्रित कर दिया था, लेकिन इसके भाषण में कुछ वो बदलाव चाहते थे जो इन्होंने करने से मना कर दिया, और जब ये भाषण उनका नहीं हुआ तो जो उन्होंने भाषण तैयार किया था उसी को एक पुस्तक के रूप में प्रिंट करवा दिया 1936 के अंदर, और वही है इनहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी किस प्रकार से जो धर्मांधता है या जो जातिवाद है उसके ऊपर पूरा के पूरा इन्होंने बताया था इस पूरी पुस्तक के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ग्रामीण स्तर पर बाल संरक्षण समिति की स्थापना की घोषणा की? तो बाल संरक्षण समिति की स्थापना की घोषणा जो की है हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा की गई है, अभी आज ही इसकी घोषणा हुई है। ये जो बच्चों से दुर्व्यवहार जो होता है उसको रोकने के लिए ये जो है समिति, जो ग्रामीण स्तर पर समिति है, ये काम करेगी। चलिए पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं। तो कलकत्ता राजधानी है, ममता बनर्जी जो है यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, और केसरीनाथ त्रिपाठी जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। वहीं तमिलनाडु की बात हम माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बात कर चुके हैं। तमिलनाडु की हम बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी हैं, और बनवारी लाल पुरोहित जो है यहाँ के गवर्नर हैं तमिलनाडु के। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि होम एक्सपो इंडिया का 7वां संस्करण जो है किस भारतीय शहर में आयोजित किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है होम एक्सपो इंडिया, तो ये आयोजित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा के अंदर, और ये जो है चार इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जो है तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, फर्निशिंग, फ्लोरिंग, टेक्सटाइल, यानी कि टेक्सटाइल घर का जो सामान होता है वो,
और इन सब चीज़ों के लिए फर्नीचर वगैरह, टेक्सटाइल, घर का सामान, इन सब चीज़ों के लिए जो है होम एक्सपो आयोजित किया जाता है। तो ये सातवां आयोजन होगा जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो एसओचएम के एक सर्वेक्षण किया है, उसके मुताबिक दिल्ली में रह रहे जो लोग हैं उनके अंदर 28% लोगों के शरीर में किस चीज़ की कमी है? तो ये जो बताई गई है विटामिन डी की कमी इन लोगों के शरीर में बताई गई है। विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आखिर विटामिन डी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी हमें मिलता है सूर्य से, और इसी के लिए जो है एक दिल्ली के अंदर विशेषकर प्रोजेक्ट धूप चलाया जा रहा है। अभी हाल ही में चर्चा में आया ये प्रोजेक्ट धूप। इसके अंदर क्या है कि जो मुख्य स्रोत है, जो हमारी विटामिन्स का मुख्य स्रोत, विटामिन डी का खासकर जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। और तो उन्होंने जो है अपील की है स्कूलों से कि स्कूल जो है अपनी असेंबली हो यानी कि प्रार्थना जो होती है उसका समय बढ़ा दें, मॉर्निंग में ना कर 11 बजे से 1 बजे के बीच में अपने वो और खुले आसमान के नीचे करवाएं ताकि धूप बच्चों को मिल सके और प्राकृतिक रूप से जो बच्चे हैं उनको विटामिन डी की आपूर्ति की जा सके। तो चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक जीन की पहचान की है। ये जीन जो है अल्जाइमर जो रोग होता है, जो खासकर बुढ़ापे में होता है जिसमें याददाश्त की कमी हो जाती है, उसके जो जोखिम को बढ़ाता है, तो इस जीन का नाम क्या है? तो इस जीन का नाम है ईपो ई फोर जो है इस जीन के कारण जो होता है अल्जाइमर रोग होता है। तो अल्जाइमर बुढ़ापे में जो याददाश्त की कमजोरी हो जाती है उसको हम अल्जाइमर के नाम। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा बैंक जो है वो बैंक अब जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। तो ये जो कारनामा किया है ये एक्सिस बैंक के द्वारा ये कारनामा किया गया। एक्सिस बैंक की हम बात करें, आखिर ये ऐसा हुआ कैसे? माफ़ कीजिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा किया गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि कोटक महिंद्रा के जो शेयर्स थे वो काफ़ी बढ़ गए हैं और SBI के जो शेयर हैं वो काफ़ी कम हो गए। तो जो HDFC बैंक है, सबसे पहले HDFC बैंक वो नंबर 1 पर है, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे अब आ गया है कोटक महिंद्रा बैंक और थर्ड पोजीशन पे जो है SBI चला गया है। तो ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक ये दूसरी पोजीशन पे आ गया है, क्योंकि हुआ ये है क्योंकि इसके जो कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स हैं वो लगभग 1150-1200 के बीच में हो गए हैं, जबकि 200-250 का शेयर है जो है SBI के शेयर्स का हो गया है। तो जो मार्केट कैप है उसके कारण जो है अब दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए अगली बात कर लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा एक अभी में आयोजित किया गया था युद्धाभ्यास, और सबसे बड़ा अभी तक का युद्धाभ्यास था, इसका नाम क्या था? तो इस युद्धाभ्यास का जो नाम था वो नाम था गगन शक्ति 2018। ये हाल ही में आयोजित किया गया राजस्थान राज्य के पोखरण में, जहाँ पर कि ये पोखरण वही है जहाँ पर कि जो हुआ था परमाणु विस्फोट या जैसे परमाणु परीक्षण हमारा हुआ था, वहीं पर इसको आयोजन किया गया। और 1100 लगभग विमान जो है इसमें सम्मिलित हुए थे भारतीय वायुसेना के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसके लिए जो पाकिस्तान को भी जो है जानकारी दी गई थी, क्योंकि हमारे बीच में समझौता है किस तरह की कोई भी गतिविधि युद्धाभ्यास जैसी करते थे एक दूसरे के देशों को हम जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो लगभग 1100 विमान इसमें सम्मिलित हुए थे, तो अब तक का सबसे बड़ा ये युद्धाभ्यास था भारतीय सेना का, वायुसेना का। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में इसका प्रभाव या तो खत्म हो चुका है या उसकी मौजूदगी जो है लगभग ना के बराबर है। तो ऐसा जो नक्सल प्रभाव का जो प्रभाव है लगभग 44 जिलों में जो है अब ये खत्म हो चुका है, बाकी जिले हैं लेकिन अब कम बचा है। देखिए जो भारत सरकार या केंद्र सरकार जिसे कहा जाए, तो गृह मंत्रालय ने कुल 126 जिले जो कि 10 राज्यों में हैं उनको नक्सल प्रभावित जिला घोषित किया हुआ था। अब उसमें से जो है 44 जिले कम कर दिए गए हैं। तो ये अलग अलग राज्यों के, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के 3 जिले से हटा दिए हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 3 जिले इसमें से हटा दिए हैं, झारखंड की बात करें तो झारखंड के इसमें से 2 जिले हटाए हैं, और सबसे ज़्यादा तेलंगाना के जो हैं 19 जिले इसमें से हटा दिए। तो कुल इस प्रकार से जो है काफ़ी बड़ी संख्या में जिलों को हटाया गया है। तो लगभग इसी तरह से जो है, माफ़ कीजिएगा, तेलंगाना से 14 जिले हटाए गए हैं, 14 जिले से हटाए गए हैं। तो अब जो है लगभग जो 44 जिले के अंदर जो है इसका प्रभाव शेष बचा हुआ है, ऐसा कहना है गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का। अगर हम इसकी बात करते हैं नक्सलवाद की, तो नक्सलवाद स्टार्टिंग हुआ था
67 में, 1967 में, 1967 में पश्चिम बंगाल के अंदर एक गांव है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी, उस गांव से शुरू हुआ था। यहां के दो नक्सलवाद के प्रमुख नेता थे चारू मजूमदार और कानू सान्याल, तो इनके द्वारा सशस्त्र विद्रोह सरकार के विरुद्ध किया गया था और ये चीन के नेता जो तुंग थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसी के लिए इसको इनको इस पूरे मूवमेंट को माओवादी कहा जाता था दुनिया के अंदर, लेकिन भारत के अंदर इसे नक्सलवादी, क्योंकि नक्सलबाड़ी जिले से शुरू हुआ था इसलिए नक्सलवादी, इसे नक्सलवाद या नक्सलवाद कहा गया है। और ये जो है पूरे भारत के अंदर, भारत के कुल जो 10 राज्य हैं वहाँ पर ये फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संबलपुर के साथ झारसुगुड़ा जिले को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन किया है और यह पुल जो है किस नदी के ऊपर बनाया गया, इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो पुल बनाया गया है ये इब नदी के ऊपर बनाया गया है। इब नदी, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए इब नदी कहाँ पर है, तो इब नदी जो है उड़ीसा के अंतर्गत है। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि उड़ीसा के गवर्नर का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट करके उड़ीसा के गवर्नर का नाम बताएं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में नवीन पटनायक, नवीन पटनायक जो हैं उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने विद्यार्थियों को सीखने के कौशल को सुधारने के लिए मिशन बुनियाद शुरू किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक पहल की गई है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है दिल्ली सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है और उन्हीं के लिए जो है मिशन बुनियाद स्टार्ट किया गया दिल्ली में। तीसरी से लेकर नवीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके बच्चों को पढ़ना लिखना और बेसिक गणित है जो उसकी समझ दी जाएगी। अगले 3 महीनों के अंदर इसके लिए स्पेशल अभियान चलाया जाएगा और ये शुरू किया गया है नई दिल्ली के अंदर, तो इसको नाम दिया गया है मिशन बुनियाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली में जो है अभी वर्तमान में शिक्षा के ऊपर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। नई दिल्ली या दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल है जैसा कि आप सभी जानते हैं, और LG से इनकी यानी कि जो वहाँ पर जो उपराज्यपाल होते हैं उनसे काफ़ी मतभेद होते रहते हैं लोगों के, इसलिए क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। जो मुख्य प्रशासक होते हैं वो उपराज्यपाल दिल्ली के हैं और जो मुख्य प्रशासक वहाँ पर अभी हैं दिल्ली के अंदर वो हैं अनिल बेजल। वहीं महाराष्ट्र की बात कर ले तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और वहाँ के जो गवर्नर हैं विद्यासागर राव जो है यहाँ के गवर्नर है। पंजाब की हम बात कर लें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और VP सिंह बिदनौर जो है यहाँ के गवर्नर है। वहीं हरियाणा की हम बात कर लेते हैं तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और यहाँ कप्तान सिंह सोलंकी जो है यहाँ के गवर्नर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि उन चित्रकार का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में है 94 वर्ष की आयु में जिनका निधन हो गया, तो उन चित्रकार का नाम है राम कुमार, शिमला के रहने वाले थे, हिमाचल प्रदेश शिमला के, और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। ऑथर भी थे यानी किताबें भी इनकी हैं, तो राम कुमार नाम याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था से में एक शोध किया गया उसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत 900 वर्ष के सूखे के कारण हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट शोध है क्योंकि सिंधु सभ्यता के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि आखिर उसका पतन कैसे हुआ, कोई इसका कारण बाढ़ बताता है, किसी ने आगजनी, किसी ने बाहरी हिंसा बताया है, लेकिन अभी IIT खड़गपुर ने एक शोध किया और उनका शोध जो किया है वो लगभग पिछले 4000 में जो मौसम का पैटर्न था, जो जलवायु का पैटर्न था, उसके आधार पर उन्होंने शोध किया और उसके आधार पर बनाया कि धीरे धीरे जो है 900 वर्ष तक हम सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर लगभग बारिश शून्य की स्थिति तक आ गई थी, लेकिन बहुत कम बारिश होती थी और उससे लगातार 900 वर्ष तक ये स्थिति बनी रही। बहुत कम बारिश होने के कारण वहाँ की नदियाँ जो जीवनदायिनी नदियाँ थी वो सूख गई और उससे वहाँ के जो लोग थे धीरे धीरे गंगा यमुना दोआब की तरफ शिफ्ट हो गए और वो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत वहां पर हुआ। तो ये IIT खड़गपुर ने इस प्रकार का शोध किया है जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न जो है और अंतिम प्रश्न भी है, इसमें हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है किस देश के राष्ट्रपति हैं। विन मिंत ने दर्जन राजनीतिक बंदियों और 51 विदेशी नागरिकों समेत 8500 से ज्यादा कैदियों को माफी दे दी है। तो हाल ही में आप सभी को पता है जो है वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार बनी है म्यांमार के अंदर और म्यांमार देश ने ऐसा किया है, जैसा कि आप सभी को पता है कि सू वहाँ की एक बड़ी नेता हैं और उनको काफ़ी लंबे समय के उनके संघर्ष के बाद जो है जो सैन्य शक्ति है उससे बाहर निकला है और उसके बाद वहाँ पर लोकतंत्र की बहाली हुई है। तो वहाँ पर लगभग 51 विदेशी नागरिकों समेत 8500 से जो ज़्यादा राजनीतिक बंदी थे उनको जो है माफ़ी दे दी गई है। चलिए अब मुझे आप एक कमेंट करके ये भी बताएं कि म्यांमार की राजधानी क्या है। श्रीलंका की राजधानी बात करें, श्रीलंका की राजधानी जो है
श्री जयवर्धनेपुरम है, और रूस की राजधानी की हम बात करें, रूस की राजधानी है मास्को। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाओं में वेस्टर्न रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता है और जिसने मीटू कैंपेन को ट्रिगर किया था? आखिर ये है क्या मीटू कैंपेन, इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले वो जो पत्रिका है उसका नाम है द न्यूयॉर्कर, और ये पत्रिका इसके साथ ही द न्यूयॉर्क टाइम्स जो अखबार है उसको भी इसी के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। पुलित्जर पुरस्कार जो है यूएसए का एक पुरस्कार है और यूएसए में ये 1917 से दिया जा रहा है। ये जो पुरस्कार दिया जाता है विशेषकर दिया जाता है पत्रकारिता के लिए, साहित्य के लिए और संगीत रचना के लिए। तो हाल ही में क्या हुआ था, अक्टूबर 2017 के अंदर एक कैंपेन चला था मी टू कैंपेन, जिसे महिलाओं के द्वारा चलाया गया था इस हैशटैग से, जो भी सोशल मीडिया साइट्स पे उनके साथ महिलाओं के साथ जो भी अत्याचार हुए हैं, खासकर यौन अत्याचार और दूसरे प्रकार के जितने भी घटनाएं हुई हैं उन सब के बारे में अपनी अपनी आप बीती उन्होंने बताई थी। और ये सब हुआ था हॉलीवुड फिल्म निर्माता है हार्वी वाइनस्टाइन के खिलाफ। एक महिला ने जो वहाँ की हॉलीवुड की हीरोइन थी उन्होंने उसके बारे में बोला था और उसके बाद से सारी चीज़ें हुई थी। तो उसकी रिपोर्टिंग इस पत्रिका ने और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने की थी, तो उसी के लिए जो है इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है वर्ष 2018-19 के लिए विश्व बैंक ने भारत की विकास दर के लिए क्या अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने जो भारत की विकास दर के लिए अनुमान लगाया है वो 7.3%, काफ़ी अच्छा अनुमान है ये। और विश्व बैंक की बात कर लेते हैं तो वॉशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है, वॉशिंगटन डीसी वहाँ पर स्थित है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी और 43 देशों ने जो लगभग वहाँ उस समय स्थापना की थी। आज की बात करें तो 189 जो देश हैं इसकी कंट्री हैं, इसके सदस्य हैं। वही हम बात कर लेते हैं इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं, क्या चेयरपर्सन हैं, क्रिस्टिलिना जॉर्जेवा जो है इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। हाल ही में ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट जारी की गई है भारत के अंदर, और सबसे भरोसेमंद ब्रांड जो है भारत का कौन सा बन गया? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सैमसंग जो है सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गया है ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट में। वहीं दूसरे नंबर पर जो ब्रांड रहा है, दूसरे नंबर पर है सोनी, और तीसरे नंबर पर जो ब्रांड है, तीसरे नंबर पर है LG। चौथे नंबर पर जो भारत का एकमात्र ब्रांड टॉप 10 के अंदर है वो है टाटा, और पांचवें नंबर पर जो इसके अंतर्गत आता है वो आईफोन है। तो ये भारत के टॉप ब्रांड्स हैं, सबसे पहले सैमसंग, उसके बाद सोनी, फिर उसके बाद LG, उसके बाद टाटा, उसके बाद आईफोन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सूची है क्योंकि इसमें जो है सैमसंग की बात करें, सैमसंग जो है साउथ कोरियन एक कंपनी है, साउथ कोरिया की, और इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण भारत के अंदर ये करती है और बेचती है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस शहर को भारत में सबसे अधिक आय भुगतान करने वाला शहर माना जाता है, यानी ये कौन सा शहर है जहाँ अपने वर्कर्स को सबसे ज़्यादा सैलरी दी जाती है? तो वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको भारत में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला शहर बन गया है बेंगलुरु। वहीं बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे को भारत की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। और निम्नलिखित में से किस देश ने सीरिया के लिए 50 मिलियन यूरो मानवतावादी सहायता की घोषणा की है? तो ये 50 मिलियन यूरो मानवतावादी सहायता की घोषणा की है फ्रांस में, फ्रांस के राष्ट्रपति जो की है इमानुअल मैक्रोन, उन्होंने जो है सहायता की घोषणा की है। हाल ही में आप सभी को पता है सीरिया के अंदर एक प्रकार का गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, वहाँ के राष्ट्रपति और विद्रोहियों के बीच में लगातार युद्ध चल रहा है और रूस और अमेरिका दोनों अलग अलग पक्षों को वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे काफ़ी वहाँ पर जान माल की हानि लगातार हो रही है। तो उन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है 50 मिलियन यूरो की मानवतावादी सहायता देने की घोषणा की है फ्रांस के द्वारा, और ये दिया जाएगा वहाँ काम करने वाले एनजीओ जो वहाँ काम कर रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी जो संस्थाएं वहाँ काम कर रही हैं उनको ये राशि दी जाएगी। चलिए फ्रांस की हम बात कर लेते हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और यहाँ के जैसे राष्ट्रपति आपकी आप सभी को पता है इमानुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति। वहीं यूके की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम जो इसकी राजधानी है वो लंदन, और थेरेसा मे जो यहाँ की वो हैं प्रधानमंत्री। चाइना की बात कर लें, चाइना की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ सी जिनपिंग जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं चाइना के। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ने नए राज्य मार्ग संरेखण
यानी अलाइनमेंट की घोषणा की है, जो दिल्ली और किस शहर को जोड़ेगा, तो ये दिल्ली से जो है मुंबई शहर को जोड़ने का काम करेगा। और ये जो है एक्सप्रेस वे होगा, यानी कि इसलिए अभी तक जो है 12-24 घंटे लगभग सड़क मार्ग से लगते थे, और ऐसा माना जा रहा है कि इस रोड के बनने के बाद मात्र 12 घंटे में ये जो है सड़क से दूरी पूरी हो जाएगी दिल्ली और मुंबई शहर के बीच में। वहीं इसी के साथ ही चंबल एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा यहाँ, जैसे आप देखेंगे ग्वालियर, ग्वालियर के पास से जो है चंबल एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा और उसको जोड़ा जाएगा एक्सप्रेस वे से, दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस वे से उसे जोड़ा जाएगा। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को भी चंबल एक्सप्रेस वे से काफी सहायता मिलने वाली है। इस जो प्रोजेक्ट है पूरा 1 लाख करोड़ रुपए की इसकी लागत हो जाएगी इसके बनने के बाद। तो सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि कौन सा शहर जो है ग्लोबल आईटी चैलेंज फॉर यूथ विथ डिसेबिलिटीज GITC 2018 की मेजबानी करेगा। तो 8 से 11 नवंबर के बीच में ये प्रोग्राम होने वाला है, और ये प्रोग्राम जो होगा नई दिल्ली के अंदर होगा। ये जो प्रोग्राम है एशिया पैसिफिक, यानी एशिया और पैसिफिक के जो देश हैं उसके सभी लोग इसमें भाग लेते हैं। लगभग 24 देशों के 120 से ज़्यादा जो डिसेबल छात्र होते हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं, और आईटी का जो चैलेंजेस होते हैं उसके तहत इसमें भाग लेंगे। तो 8 से 11 नवंबर 2018 के बीच में आयोजित होगा ये। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने नेशनल कैडेट कोर के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल पीपी मल्होत्रा। लेफ्टिनेंट जनरल पीपी मल्होत्रा ने जो है नए डीजी बनाए गए हैं, और इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया है BS सारस्वत का। BS सारस्वत इससे पहले जो थे लेफ्ट यहाँ के डीजी थे, अब इन्होंने उनका स्थान ले लिया है। और हम बात कर लेते हैं एनसीसी। हाल ही में काफ़ी चर्चा में आया था एनसीसी, इसलिए चर्चा में आ गया था कि एक कार्यक्रम में राहुल गांधी से एक लड़की ने एनसीसी के बारे में पूछा था और राहुल गांधी जो है उसका जवाब नहीं दे पाए थे। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके लिए एक्ट बना था उस समय, उसके बाद इसकी स्थापना, हालांकि 1920 1917 से ये इसी प्रकार की विंग काम कर रही है, लेकिन स्वतंत्र भारत में जो है 15 जुलाई 1948 से ये जो इसकी शुरुआत होती है। और इसका जो मोटो है ये पूछा जा सकता है, और कई बार पूछा भी गया है, एकता और अनुशासन, ये इसका मोटो है, एकता और अनुशासन, ये एनसीसी का मोटो है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में 35 वर्षों में पहला सिनेमा घर अपने आप खोला है? ACM सिनेमा के नाम से खोला है, और जैसा कि आपको पता है ये हो सकता है कहाँ पर, सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है, काफ़ी कट्टरपंथी कंट्री मानी जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहला भी जो है सिनेमा घर खोला गया है 35 सालों के बाद में। और अगर सऊदी अरब की हम बात करें तो राजधानी इसकी रियाद है, और यहाँ के जो राजा हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो है मोनार्की चलती है, तो यहाँ के राजा जो है सलमान, किंग सलमान उनका नाम है, किंग सलमान यहाँ के राजा हैं। चलिए वहीं कुवैत की बात कर लेते हैं। कुवैत की जो राजधानी है कुवैत सिटी है, और यहाँ के जो राजा हैं एम्परर हैं वो हैं सबाह अहमद अल सबाह। वहीं पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और यहाँ के जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं साहिद अब्बासी हैं। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो राजधानी है ढाका, और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है उसके बारे में आप मुझे जो है कमेंट करके जानकारी दीजिएगा कि कौन यहाँ की प्रधानमंत्री है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे क्यूबा का राष्ट्रपति चयनित किया गया है? क्यूबा अमेरिका के पास में एक छोटा सा देश है क्यूबा, और यहाँ पर लगभग 1959 से जो है कास्त्रो, अगर आपने नाम सुना हो, कास्त्रो बंधु की हुकूमत थी। हुकूमत से मतलब वहाँ कास्त्रो बंधु यहाँ के प्रमुख क्रांतिकारी भी रहे हैं, और उन्होंने अपना पूरा जीवन क्रांति में उस देश की मजबूती के लिए बिताया है। तो फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो, ये दो कास्त्रो बंधुओं की थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है राउल कास्त्रो जो कि फिदेल कास्त्रो के छोटे भाई थे, 2006 में राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। अब इनके स्थान पर मिगेल डियाज को जो है राष्ट्रपति बनाया जाएगा, अभी बनाया नहीं गया है, अभी इसके लिए बनाया जाएगा, वोटिंग होगी, लेकिन इनका बनना लगभग लगभग तय है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद कास्त्रो बंधुओं की जो वहाँ से सत्ता समाप्त होने वाली है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरुआत की है, और उस कार्यक्रम का नाम है स्टडी इन इंडिया। इसके लिए जो है सरकार
ने नया कार्यक्रम बनाया और इसी नाम से स्टडी इन इंडिया के नाम से एक वेब पोर्टल भी बनाया जाएगा इसी के लिए। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसने फ्यू ग्लोबल लिंकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है और वो जो है केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय दोनों के द्वारा की गई है, तो उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। तो इसके द्वारा मिलाकर ये है जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगर फ्यू की बात कर लें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन संस्था है और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ये याद रखिएगा कब इसकी स्थापना हुई थी, 1965 में, और ये जो है वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अप्रैल 2018 में भारत वाइस बेडेन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, हाल ही में ये सम्मेलन को आयोजन किया गया है और ये जो सम्मेलन का आयोजन किया गया है ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली के अंदर ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस मायने में है, जैसा कि आप इस पर देख पा रहे हैं, UNODA यूनाइटेड नेशंस का एक संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसका संकल्प है 1540, ये उससे जुड़ा हुआ है। 1540 संकल्प क्या कहता है, जैविक रासायनिक और परमाणु हथियार जो है वो सुरक्षित हाथों में रहना चाहिए, आतंकवादी संगठनों के पास वो नहीं पहुंचना चाहिए, तो उनके बारे में ये है। तो उसी के क्रियान्वयन के लिए जर्मनी की सरकार द्वारा 2012 में जो है वाइसबिडेन कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी और उसी के कंटिन्यू करते हुए 2018 में भारत में सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो और आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने जो है 1 मई से पाकिस्तानी राजनयिकों पर जो है प्रतिबंध लगा दिए जाने की घोषणा की है, तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है अमेरिका। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है, आखिर उसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। हाल ही में क्या हुआ था, इस्लामाबाद जो कि राजधानी है पाकिस्तान की, वहाँ पर एक अमेरिकी राजनयिक की जो कार थी उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, तो इस्लामाबाद ने उस अमेरिकी राजनयिक को देश छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, उसके ऊपर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए। तो उसी प्रकार की जवाबी कार्यवाही करते हुए अमेरिका ने भी जो पाकिस्तान के अंदर राजनयिक होते हैं, लगभग 200 राजनयिक जो हैं वहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका के अंदर, उन पर 1 मई से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, उनको 40 किलोमीटर क्षेत्र से बाहर आने जाने की जो है सुविधा नहीं होगी। अगर वो इसके बाहर आते जाते हैं तो उनको उसके लिए बकायदा क्या है लेनी पड़ेगी, अनुमति अमेरिका के अधिकारियों से। तो ये एक प्रकार की जो है राजनयिकों की बार छिड़ चुकी है पाकिस्तान के और अमेरिका के बीच में, जो एक समय काफ़ी एक दूसरे के पास में थे। चलिए हम अमेरिका की बात कर लेते हैं और आज का हमारा देश भी जैसा कि आप सभी को पता है अमेरिका ही है, इसके बारे में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC और ट्रंप साहब जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है, आप सभी को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। चाइना की बात कर लेते हैं, चाइना की राजधानी है बीजिंग और सी जिनपिंग जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। वहीं रशिया की बात कर लेते हैं, रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस एक्ट के तहत 12 साल के बच्चे से रेप पर जो है फांसी की सजा तय की जाएगी, यानी इस प्रकार का प्रस्ताव लाने की सरकार तैयारी कर रही है, तो ये है पॉस्को एक्ट। चलिए पहले जान कर लेते हैं आखिर ये पॉस्को एक्ट क्या है। ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए ये पारित हुआ था 2012 के अंदर, पॉस्को की बात करें तो ये जो है पारित हुआ था 2012 के अंदर, और 2012 में एक्चुअल में क्या होता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें बच्चे यानी लड़के मेल एंड फीमेल्स बोथ आर इसमें बेनिफिशियरी हैं, यानी दोनों को इसके तहत जो है सुविधा प्रदान की गई है, दोनों को इसमें लाभ मिलता है। अगर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उनको किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, सेक्सुअली अगर उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो इसमें 7 साल से लेकर तो उम्र के तक की सजाएं, अलग अलग कृत्यों के लिए अलग अलग सजा है। अब इसी में ये किया जा रहा है कि अगर 12 साल से कम बच्चे का अगर रेप होता है तो उसको जो है सीधी की सीधी फांसी की सजा दी जाएगी,
ऐसा क्यों हो रहा है? हाल ही में जो रेप केसेस के बारे में, जैसे अभी आप देख रहे होंगे जम्मू के कठुआ में एक रेप केस हुआ, उसके बारे में लगातार मीडिया में चल रहा, तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इस प्रकार की घोषणा की है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे एक्ट की, जिसमें इसमें नाम दिया गया है मकोका। मकोका की फुल फॉर्म की बात कर लेते तो मकोका का जो फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर जो संगठित अपराध होते हैं, जो जैसे कोई ने एक जैसे राजनीतिक पार्टी होती है उसी प्रकार की क्या होती है, गैंग्स होती हैं, वो संगठित हो जाते हैं अपने प्रकार के, और इस प्रकार से अंडरवर्ल्ड होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए महाराष्ट्र के अंदर ये लाया गया था। और ये दो जगह पर मकोका हमारे यहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है और दिल्ली के अंदर है। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली और महाराष्ट्र में मकोका लागू होता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि मकोका के तहत कार्यवाही की गई भी है। आरटीआई के बारे में आप सभी जानते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में पारित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड ने अपना नाम बदल कर रखने की घोषणा कर दी। तो स्वाजीलैंड ने अपना नाम बदल दिया है और अपना नाम कर दिया है द किंगडम ऑफ स्वातिनी। ये जो देश है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये देश है, छोटा सा देश है, तीन तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है मोजाम्बिक से घिरा हुआ है, पूरी तरह से स्थल अवरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, तीनों तरफ से अफ्रीकन कंट्री है। और ये जो देश है, यहाँ आज भी राजतंत्र काम करता है, ध्यान दीजिएगा, राजतंत्र काम करता है। राजतंत्र मतलब ये यहाँ भी आज भी राजा, और यहाँ के जो राजा का नाम है मस्वाती, ये यहाँ के मस्वाती थर्ड, ये यहाँ के राजा हैं। और ये फेमस है अपनी बीवियों के लिए, क्योंकि इनकी 15 से ज़्यादा पत्नियाँ हैं और ये उसके लिए काफ़ी फेमस है। काफ़ी छोटा सा जो देश है ये, और इस देश की आज़ादी को 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यूके से आज़ादी मिली थी 6 सितंबर 1968 को, तो उसी के बाद से ये जो है वहाँ की राजा ने अब इनका नाम जो है किंगडम ऑफ स्वानी कर दिया है। इसमें जो है स्वातिनी का मतलब होता है स्वाजियों की भूमि। स्वाजी एक जनजाति कह सकते हैं, एक प्रकार के लोग होते हैं, जैसे हम इंडियंस हैं उसी प्रकार से स्वाजी लोग होते हैं, एक जाति है स्वाजी, तो उन्हीं की ज़मीन है स्वाजी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा वो कहते हैं। और यहाँ पर मैं अब आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि भाई स्वाजी लैंड जो है, जो कि अब बन गया है द किंगडम ऑफ स्वातिनी, इसकी राजधानी क्या है? मुझे कमेंट करके ये प्रश्न का जरूर आंसर दें। अगर आप मेरे वीडियोस को देखते हैं रेगुलर, तो थोड़ी सी जद्दोजहद करें, थोड़ी सी मेहनत करें, इसका आंसर खोज के लाएं और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ और मैं पसंद भी करता हूँ, आप अच्छा लिखें, उससे ज़्यादा बेटर है कि आप प्रश्न का उत्तर दें। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? यानी कौन सा राज्य है जो फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? तो जैसे आप सभी देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश के अंदर लगातार फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं, काफ़ी अच्छी, जैसे टॉयलेट एक प्रेम कथा वो भी यहाँ पर शूट हुई थी, उसके बाद पैडमैन यहाँ पर शूट हुई है, उससे पहले भी कई सारी, जैसे गंगा जल की बात करें, गंगा जल जो पार्ट टू था उसका भी हमारे यहाँ काफ़ी बड़ा, राजनीति, प्रकाश झा, काफ़ी सारी फिल्में यहाँ पर शूट की गई हैं। तो मध्य प्रदेश जो है काफ़ी अच्छा फिल्मों के लिए अनुकूल जगह बन के उभरा है। तो मध्य प्रदेश, उसके उत्तरी मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल जो हैं मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं। वहीं उसके बाद बात कर लें गोवा की, तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं, गोवा की राजधानी है पणजी, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर पर्रिकर, जो पहले के रक्षा मंत्री थे भारत सरकार के अंदर, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मृदुला सिन्हा, श्रीमती मृदुला सिन्हा। दिल्ली की हम बात कर लेते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री सभी को पता है अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम जो है अनिल बेजल। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, राम नाईक यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से पता। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। विनिंग लाइक सचिन, थिंक एंड सक्सीड लाइक तेंदुलकर, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के जो लेखक है देवेंद्र प्रभु देसाई है। देवेंद्र प्रभु देसाई की हम बात करें तो एक ऑथर है, काफ़ी सारी पुस्तकें इन्होंने पहले भी लिखी है, जैसे इनकी एक और पुस्तक जो काफ़ी फेमस थी, जो इनकी पहली पुस्तक थी एन अम्पायर रिमेंबर्स करके इनकी पुस्तक थी। उसके अलावा इन्होंने सुनील गावस्कर के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था SMG, सुनील मनोहर गावस्कर। राहुल द्रविड़ की जो बायोग्राफी थी वो इनके द्वारा लिखी गई थी, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, ये इनकी पुस्तकें हैं। वहीं हम विक्रम सेठ की बात करें, ये भी एक ऑथर हैं, लेखक हैं, इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक है द सूटेबल बॉय, उसके अलावा द गोल्डन गेट एंड इक्वल म्यूजिक, ये भी इनकी पुस्तक है। प्रीति शनॉय की बात कर लेते हैं, ये भी एक लेखिका हैं। प्रीति की जो पुस्तक है द वन यू कैन नॉट
हैव, इनकी एक पुस्तक है काफ़ी फेमस है ये भी, और 36 बबल गम्स एंड कैंडीज, ये भी इनकी एक पुस्तक है। वहीं रामचंद्र गुहा इतिहासकार हैं और इन्होंने अपने इतिहास जो इनकी खोज है उसके ऊपर जो है एक पुस्तक लिखी है, इंडिया आफ्टर गांधी और गांधी बिफोर इंडिया, और काफ़ी इस तरह की इनकी काफ़ी फेमस पुस्तकें हैं रामचंद्र गुहा साहब की। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश की सैन्य और सुरक्षा रणनीति संचालन के लिए स्थापित एकीकृत संस्थागत तंत्र का नाम क्या है? तो ये जो संस्थागत तंत्र है इसका नाम रखा गया है रक्षा योजना समिति, और ये रक्षा योजना समिति जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं, अजीत डोभाल इनके अध्यक्षता में बनाई जाएगी, और इसके अंदर जो तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे वो इसके सदस्य होंगे। इसका मुख्य काम जो है पाकिस्तान और चाइना जो कि हमारे एक प्रकार के एनिमी टाइप के हैं उनसे किस प्रकार से निपटा जाए उसके ऊपर रणनीति बनाएंगे, साथ ही जो हमारी सुरक्षा के लिए और सैन्य सुरक्षा के लिए क्या किस प्रकार से काम किया गया, तो उसके लिए एक संस्थान पूरा बनाया गया है रक्षा योजना समिति। नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है रक्षा योजना समिति। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वर्ष 2018 की मंत्रणा किस शहर के अंतर्गत आयोजित की गई थी? तो कॉमनवेल्थ गेम्स के जो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग्स यानी कि CHOGM चुगम के नाम से इसे जाना जाता है, इसकी जो बैठक 2018 की हुई थी वो लंदन के अंदर हाल ही में आयोजित की गई थी, और भारत की तरफ से पहली बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, उससे पहले जो है अलग अलग हुए हैं लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में जो नरेंद्र मोदी जी इस बैठक के अंदर शामिल हुए थे, भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था हेड ऑफ स्टेट के रूप में। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं ये 25वीं बैठक थी, और राष्ट्रमंडल जो है इसके अंदर ब्रिटेन से आज़ाद हुए 53 कंट्रीज इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ही एक और वहाँ पर घटना हुई थी चुगम की बैठक के समय, कुछ खालिस्तान समर्थक और अन्य जो मोदी जी का वहाँ पर विरोध कर रहे थे उन्होंने भारत का झंडा वहाँ पर फाड़ दिया था, बहुत सारे जो 53 देश हैं सबके झंडे वहाँ लगे हुए थे लेकिन भारत का झंडा उन लोगों के द्वारा वहाँ निकाल कर फाड़ दिया गया था, इसके लिए ब्रिटेन ने माफ़ी भी मांगी है भारत से। चलिए बात कर लेते हैं, लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है, पेरिस की बात कर लेते हैं, पेरिस जो है फ्रांस का शहर है और राजधानी भी है, वहीं बर्लिन की बात करें तो जर्मनी की राजधानी, और न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क एक शहर है अमेरिका का। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो राष्ट्रीय जलवायु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने शहरों का चयन किया गया है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय जो भारत सरकार का उसके लिए उसने जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम स्टार्ट किया है, और इस कार्यक्रम में क्या होगा कि जो वायु है उसका मॉनिटरिंग की जाएगी, उसको किस प्रकार से साफ स्वच्छ रखा जाए उसकी व्यवस्था की जाएगी, तो उसके लिए पहले चरण के जो है अंदर 10 शहरों का चयन किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप कि ये वीडियो होगा आपके लिए उपयोगी, जिस तरह से आप हमारे करंट अफेयर की सीरीज को पसंद कर रहे हैं, इसको और लाइक्स मिलते हैं ज़्यादा तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।